क्या आप जानते हैं उस मंदिर के बारे में जहाँ चढ़ाई जाती है देवी को शराब? क्यों चढ़ती है आखिर देवी को शराब? क्या है यहाँ की मान्यताएं और भक्तों की कैसी होती है मन्नतें पूरी? आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ स्थित काली माता की प्रतिमा भोग के रूप में लड्डू या मिश्री नहीं चढ़ती, बल्कि वहाँ पर माता को भोग के रूप में शराब चढ़ाई जाती है, वो भी ढाई प्याला शराब। चांदी के प्याले में माता को शराब चढ़ाया जाता है और ऐसा 3 बार किया जाता है। मान्यता है कि तीसरी बार में प्याला प्रसाद के रूप में आधा भरा रहता है और बचे हुए प्याले के शराब को भैरव बाबा को चढ़ाया जाता है। भैरव बाबा को हमेशा से तंत्र सिद्धि से जोड़ कर देखा जाता है और यही कारण है कि अक्सर हमें ऐसे मंदिर मिल ही जाते हैं जहाँ पर भैरव बाबा के साथ मत्स्य, मांस, मदिरा, मैथुन और मुद्रा को जोड़ कर देखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि तंत्र परंपरा की शुरुआत देवी के साथ ही हुई थी और इसलिए कई ऐसे मंदिर हमें मिल जाते हैं जहाँ देवी को मदिरा चढ़ाई जाती है। हमारा आज का मंदिर ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये मंदिर राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और ये तकरीबन 800 साल पहले बनाया गया था और इस मंदिर का निर्माण किसी सेठ या धर्माता ने नहीं करवाया था, बल्कि डाकुओं ने करवाया था। मान्यता है कि भवाला माँ यहाँ पर पेड़ के नीचे स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक इस स्थान पर डाकुओं के एक दल को राजा की फौज ने घेर लिया था। मृत्यु को निकट देख डाकुओं के सरदार ने माँ भवाला से जान बचाने की प्रार्थना की और माँ भवाला ने अपने प्रताप से डाकुओं को भेड़ बकरी के झुंड में बदल दिया। इस प्रकार डाकुओं के प्राण बच गए। इसके बाद उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। डाकुओं ने इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ पर सदियों से देवी की उपासना की। समय के साथ डाकू इस इलाके से गायब हो गए, लेकिन इस मंदिर की मान्यता बनी रही और इसलिए यहाँ आज भी देवी की पूजा निरंतर जारी है। एक कथा और प्रचलित है, वो ये कि कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले डाकुओं का एक झुंड लूट का माल लेकर आया। वे एक चबूतरे पर लूट का माल बांटने लगे। इसी बीच चबूतरे पर बनी मूर्तियों का चमत्कार डाकुओं को दिखा। वे दंग रह गए और उन्होंने लूट के माल से मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के गर्भगृह में माता की 2 मूर्तियां स्थापित है, दाय और ब्रह्माणी माता, जिन्हें मीठा प्रसाद चढ़ाते हैं। ये लड्डू या पेड़े या श्रद्धा अनुसार कुछ भी हो सकता है। बाएं ओर दूसरी प्रतिमा काली माता की है, जिनको शराब चढ़ाई जाती है। लाखों भक्त यहाँ अपनी मन्नत लेकर आते हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त यहाँ माता को धन्यवाद देने दोबारा आते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिखें।